अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफस्टाइल इंस्टामा में आप सबका वेलकम। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी खुश हैं, ठीक ठाक हैं, हैप्पी लाइफ गुजर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, यहाँ भी रहें, खुश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ पैदा करें। तो व्यूअर्स, आज के ब्लॉग में हमने सूट की कटिंग करनी है। तो आज की मेरी जो मसरूफियत है आज के ब्लॉग में जो है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सूट है और गर्म सूट है और इसकी आज हमने कटिंग करनी है। इसकी और इसकी दो सूट मैं आज कटिंग करूंगी और कटिंग करते हुए जो इसकी वीडियो है कंप्लीट जो है आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ये एक सूट है, ये गर्म है और ये वाली जो है इसके साथ ट्राउज़र है, ये वाला इसका हम ट्राउज़र कटिंग करेंगे और इसकी हम कमीज कटिंग करेंगे, ये इसके बाजू में। और ये वाला जो है ये दूसरा सूट है, इसको भी आज हम कटिंग करेंगे। और मेरी जो डेली की मतलब ब्लॉगिंग के साथ साथ जो मेरी घर का काम करने के बाद जो मेरी मसरूफियत होती है, आज की वीडियो में कंप्लीट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो जो मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियोज़ देखने वाले लाइक करने वाले हैं, मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। तो नेक तमन्नाओं के साथ जो आज की वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम कमीज़ कटिंग करेंगे। कमीज़ कटिंग करने के लिए जो हमें जिस नाप का हमने बनाना होता है वो हम सबसे पहले हमें उस नाप को देखना होता है कि उसकी हमने लंबाई कितनी रखनी है और उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। ये वाली मेरी जो वीडियो है मेरी उन बहनों के लिए आज बहुत ज़्यादा ख़ास होगी जो कटिंग का और सिलाई वगैरह का शौक़ रखती हैं, लेकिन मतलब उनके पास हुनर नहीं है लेकिन वो शौक़ रखती हैं, तो लेकिन उनके पास सीखने का भी कोई जरिया नहीं है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जो है उनके लिए है, मैं उनको जो है आज सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। सूट की कटिंग जो है हम कैसे करते हैं, जो कि बहुत सी लड़कियों की ज़रूरत है और मतलब हर लड़की की ही ज़रूरत होती है। और कुछ लड़कियां जो है घर से ना निकलने की वजह से, ना इजाज़त मिलने की वजह से ये जो हुनर है ये सीख नहीं पाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगी यही चीज़। तो ये हमारा ये फ्रॉक है, फ्रॉक जो है ये हमारी शॉर्ट चाक वाली फ्रॉक है, ये इसके चाक है शॉर्ट ऐसे। तो इस ये जो हमारा कमीज़ है इसकी हमने ऐसे ही मतलब शॉर्ट चाक वाली हमने फ्रॉक बनानी है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे तह लगा कर दिखाएंगे। ये बैक साइड ये हमने शर्ट की बैक साइड और जो फ्रंट साइड है वो हमने ऐसे बिछा ली है। अब हमने जो नाप वाली कमीज है उसकी हमने पहले उसको हमने नाप, तो ये जो नाप वाला है इसकी हमने सबसे पहले हमने इसको नापना है और इसी के मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम इसका तीरा नाप लेंगे। सोलह इंच इसका तीरा है। उसके बाद हम इसको शोल्डर इसके नौ इंच शोल्डर और उसके बाद चेस्ट की जो है ना हम यहाँ से इसकी चेस्ट की मापी मैपिंग करेंगे। यहाँ से है 18.5, इसी हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। सिलाई छोड़ के इसके बाद हम कंधे की शोल्डर की जो निशान है वो लगाएंगे। ये हम रखना है 9 इंच यहाँ पे बनेगा और उसके बाद जो है चेस्ट हम नाप जो हमने नापी है उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है हम साइड से नापेंगे, फिटिंग नापेंगे। फिटिंग है हमारी यहाँ पे 15 और साथ ही हम
ऐसे ही हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है, ये हमने फिटिंग का निशान जो है वो लगा दिया है। तो अभी जो इसके फ्रॉक के शॉर्ट चाक हैं हम वो नाप लेंगे। ये हमारे जो चाक हैं वो 9 इंच हैं, तो नीचे से हमने 9 इंच जो है ना सिलाई छोड़ के हमने 9 इंच का निशान लगा देना। अभी जो है इसकी फिटिंग की और नीचे चाक तक जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम निशान लगा रहे हैं यहाँ पे सिलाई छोड़ के, यहाँ पे सिलाई छोड़ के हमने निशान लगाना है। फिटिंग की शेप में हम निशान लगाएंगे यहाँ पे शोल्डर तक। तो ये एंड पे जो अजाफी कपड़ा है थोड़ा बहुत वो हम यहाँ से कट कर देंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे हम यहाँ पे। और जो इसका दामन है वो तकरीबन हमारी चढ़ाई जो वो है पूरी आई है, यहाँ से दामन के साइडों से हमें कपड़ा नहीं उतारना पड़ा है, यहाँ से हम बिल्कुल जो मतलब साइड पे ज़्यादा है वो ही उतारेंगे। और उसे आगे जो हमने निशान लगाया है उसके पीछे पीछे हमने ऐसे इसको कट कर लेना है। इसी शेप में इसकी कटिंग जो है वो जा रही है, तो शोल्डर तक इसको कट करेंगे, शोल्डर की भी साथ ही कटिंग हो जाएगी। शोल्डर की कटिंग के बाद हम गले के ऊपर से कटिंग करेंगे इसकी। जो अजाफी कपड़ा है वो हमने उतार देना है, जो हमारी मतलब नाप है हमारा उसके मुताबिक का हमने रखना है। तो जो अजाफी कपड़ा है वो हमने उतार दिया है। बैक साइड से जो फ्रंट साइड है वो हमने थोड़ी छोटी रखनी होती है, तो इसकी कटिंग आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों साइडों से कर दी है। तो अभी हम जो शोल्डर है उसको माप लेंगे, अभी थोड़ा कम लग रहा था, हम इसको थोड़ा थोड़ा सा और यहाँ से कट कर देंगे, थोड़ी सी और कटिंग करेंगे और ये पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और ये इसके फ्रंट साइड से हमने कटिंग थोड़ी गहरी रख के करनी होती है, वो कर दी है कमीज़ की अगली साइड से। और ये फिटिंग का निशान है, नीचे चौक का निशान है, ये हमने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइडों पे हमने यहाँ से कट करना है। और जो निशान है वो पिछली तह पे भी और अगली तह पे भी हमने लगा लेना है, ताकि सिलाई करते वक्त हमें जो है किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हम जो निशान है वो चारों पीसेस पे लगा रहे हैं। तो ये कमीज़ जो है वो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है कमीज़ की। इसके बाद जो है हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ये उसके साथ का ट्राउज़र है, ट्राउज़र बना लें, कैपरी बना लें। तो इसका जो कपड़ा है वो चुड़ाई में मिला है हमें, तो चुड़ाई टाइप का है, तो मतलब इस अदरवाइज़ इसकी लंबाई में होती है, तो ये चुड़ाई की शेप में है। और इसके हम ऐसे ही फोल्ड करके इसकी तह लगा लेंगे। और ये थोड़ा कपड़ा साइडों से थोड़ा कम है और लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है ऊपर को चौड़ाई में, तो इसलिए ये ऊपर से उतरेगा थोड़ा और फिर इसकी लंबाई पूरा करके हम उतार लेंगे। बाकी जो है वो इसके आसन में डाल देंगे, दरमियान में जो है इसकी चौड़ाई कम नज़र आ रही है, तो इसलिए हम इसका कपड़ा ऊपर से उतार के जो है वो नीचे दरमियान में डालेंगे। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई नापनी है, नीचे पाँचा से लेके ऊपर तक हमने लंबाई रख ली है, ये नेफा छोड़ के हमने निशान लगाना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें हमारा जो नाप वाला है वो ज़्यादा है और नीचे वाला जो है थोड़ा तंग है यहाँ से, इसलिए हम पहले ऊपर से नेफे तक का कपड़ा जो है वो उतार लेंगे, ताकि हम दरमियान में आसन में यहाँ तक हमारा कपड़ा डले हम उसमें डाल सकें। तो यही कपड़ा जो है फोल्ड करके हमने यहाँ पे इसके जो आसन में कपड़ा डलेगा वो हमने यहाँ पे डाल लेना है, ताकि इसका आसन की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे पूरी हो जाए। तो उसी कपड़े को हमने फोल्ड करके तय करके यहाँ पे रख लिया है।
अभी हम यहाँ पे नेफा छोड़ के जो आसन का निशान है वो हम वो लगाएंगे, नीचे से सिलाई छोड़ेंगे, ऊपर से आसन, दूसरा नेफा छोड़ेंगे। और ये देखें इसकी जो नाली की सिलाई है उसकी हम शेप बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे उसी शेप में, और उसके बाद जो है हम इसको कट करेंगे। ये पांचे तक ट्राउज़र की शेप, ये शलवार का नाप है लेकिन हमने इसका ट्राउज़र बनाना है, और उसकी ट्राउज़र की शेप में मैंने इसकी लाइनिंग लगा ली है वहाँ तक। और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे सिलाई छोड़ के। कपड़ा जब भी आपने कट करना है सिलाई छोड़ के फिर हमने ना इसकी कटिंग करनी होती है सिलाई बीच में रख के। तो ये जो ट्राउज़र है वो हमारा ट्राउज़र की नाली की सिलाई जो है वो कट हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा फोल्ड कपड़ा था इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे ऊपर से भी हमारा थोड़ा फोल्ड में था, इसको भी हम अलग अलग पीस कर लेंगे इसके भी। ये एक फ्रंट साइड का है, एक बैक साइड का है। यहाँ पे व्यूअर्स हमारा जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसकी कटिंग कंप्लीट है, इसको हम साइड पे कर देंगे। ये कमीज़ और ट्राउज़र दोनों की हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे जो तीसरे नंबर पे हैं बाजू आते हैं, हमारे बाजू की कटिंग करने वाली जो है वो रहती है। बाजू का कपड़ा भी ऐसे ही है तो बिल्कुल साफ़ है, प्लेन है, इसके ऊपर कोई कढ़ाई शिढ़ाई नहीं है। तो इसके दामन से हमने पट्टी उतार ली थी, वो हम इसके बाजू के आगे लगाएँगे। सेम जैसे कमीज़ की हमने तह लगाई है वैसे ही हम बाजू की तह लगाएँगे, और तय लगाने के बाद हम जो है सबसे पहले बाजुओं की लंबाई नापेंगे। लंबाई नापने के बाद हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे सिलाई छोड़ के। तो निशान लगाने के बाद ये जो फ्रंट पे दामन पट्टी लगेगी तो वो हम इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे। तो अभी बाजू का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है वो मैं बाद में यहाँ से कट करूँगी। तो जो शोल्डर था वो हमारा 9 इंच था, यहाँ पे हमने इसको 9 इंच के निशान तक हमने उसी शेप में हमने इसका निशान लगाना है। जितना हमारा कमीज़ का शोल्डर है उतना ही हमारा बाजू का है, तो यहाँ से लेकर शोल्डर तक फिर हम इसका और निशान लगाएंगे। फ्रंट से लेकर शोल्डर तक सिलाई छोड़ के हमने ऐसे ही सीधा निशान लगा लेना है, और इसके पीछे पीछे फिर हमने कटिंग करनी है। और ये हमारी जो बाजू की कटिंग है वो हो रही है। तो शोल्डर की कटिंग करने के बाद जो है इसके फ्रंट पे सिलाई छोड़ के जो इजाफी कपड़ा है वो भी हम कट कर देंगे यहाँ से। ये हमने इजाफी कपड़ा जो है वो भी कट कर दिया है। तो अभी जो जैसे हमने कमीज़ के फ्रंट साइड से कटिंग की है वैसे ही थोड़ी गहरी रख के हम